स्टार्ट करते हैं हम वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि वेल्डेड कनेक्शन के क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, सबको पता है वेल्डेड कनेक्शन होता क्या है। वेल्डेड कनेक्शन के बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे कि ये हल्का होता है दूसरे कनेक्शनों की तुलना में, ये हल्का होता है रिवेट और बोल्टेड कनेक्शन की तुलना में, ये हल्का होता है और इसमें थोड़ा लीकेज कम होता है, ठीक है। ऑयल टैंक्स ये जो भी बनाते हैं उसके लिए हम वेल्डेड कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ना स्किल्ड प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है ना, इसमें ज्यादा स्किल्ड मैन होने चाहिए, नहीं तो हर किसी को नहीं पकड़ा सकते ना, ये काम लगा बैठेगा कहीं पे, ठीक है। तो ये तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए, मैंने ऐसे बता दिया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेल्ड, ठीक है। तो चार टाइप्स के वेल्ड होते हैं। पहला है बट वेल्ड, जिसको ग्रू वेल्ड भी बोलते हैं। सेकंड है फिलेट वेल्ड, जिसको लेफ वेल्ड भी बोलते हैं। थर्ड है स्लॉट वेल्ड और चौथा है हमारे पास प्लग वेल्ड, ठीक है। पहले एक इनकी पिक्चर देख लेते हैं ताकि माइंड में थोड़ा कंसेप्ट बैठ जाए, ठीक है। ये जो पिक देख रहे हो आप, ये है बट वेल्ड की, ठीक है। ये है बट वेल्ड, ठीक है। बट वेल्ड कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। और ये है फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड इस तरह से, एक ये परपेंडिकुलर इस तरह से, ठीक है। ये हमारा फिलेट वेल्ड, ठीक है ना। और ये हमारा प्लग वेल्ड है, ठीक है। अगर इस तरह से स्लोट करके उसको पूरी तरह से इस वेल्डिंग मटेरियल से भर दिया जाए तो ये हो जाता है हमारा प्लग वेल्ड, ठीक है। लेकिन अगर इसको वेल्डिंग मटेरियल से भरा नहीं, मतलब ये जो बाहर उभरे हुए है ना, इसको अगर उभरे हुए नहीं निकाले, खाली इस स्लोट बना के, मतलब ये छेद करके इसके किनारे किनारों पर वेल्डिंग कर दे, तो उसको हम बोलेंगे स्लोट वेल्डिंग, ठीक है। ये देखो, ये इस तरफ है स्लोट वेल्डिंग और इस तरफ है ये हमारी प्लग वेल्डिंग, ठीक है। ये स्लोट है, ये प्लग वेल्डिंग है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ बट वेल्ड, या फिर जिसे हम कहते हैं ग्रूव वेल्ड, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बट वेल्ड कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्क्वायर। स्क्वायर में इस तरह से स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, मतलब ये इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर में जुड़ेगी। सिंगल वी इस तरह का होता है, ठीक है। डबल वी दोनों तरफ से, सिंगल यू इस तरह से, डबल यू दोनों तरफ से, सिंगल जे इस तरह से होता है, डबल जे ये इस तरह से, देखो दोनों तरफ जे बन रहा है। सिंगल बेवल इस टाइप का, डबल बेवल इस टाइप का। अब ध्यान रखना, सिंगल वी, सिंगल यू और सिंगल बेवल, ठीक है, जो ये सिंगल सिंगल है ना, इनको हम बोलते हैं पार्शियली पेनिट्रेट वेल्ड, ठीक है। और इनके अलावा जो दूसरे जो डबल डबल है, डबल यू, डबल जे, ये सब डबल बेवल, इनको हम बोलते हैं कंप्लीटली, या फिर हम बोल सकते हैं फुल्ली पेनिट्रेटेड वेल्ड, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, सिंगल वी, सिंगल यू, सिंगल बेवल को पार्शियली पेनिट्रेट वेल्ड, ठीक है। और जो डबल डबल है उन सबको बोलेंगे कंप्लीटली, या फिर बोल सकते हैं फुल्ली पेनिट्रेटेड वेल्ड, ठीक है। देखो, सिंगल वी, सिंगल यू एंड सिंगल बेवल इज कॉल्ड पार्शियली पेनिट्रेट ओवर इनकम्प्लीट पेनिट्रेट बट वेल्ड एंड अदर नॉन एज फुल ओवर कंप्लीट पेनिट्रेट बट वेल्ड, ठीक है। इनको इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं, देखो सिंगल वीम इसमें हम एक तरफ ही कर रहे हैं वेल्डिंग, ऊपर ऊपर से, ठीक है, बाकी इनमें हम दोनों तरफ से कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये हमारा एक सिंगल वी बट जॉइंट है, सिंगल वी है, मतलब देखो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, हमने इसने क्या किया, हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है, पर यहां से नहीं जोड़ा, ये इनकम्प्लीट रह गया ना, पार्शियली आधा ही ऊपर ऊपर से जोड़ा, दोनों साइड में नहीं की। सिंगल वी वेल्ड का मतलब है, सिंगल वेल्ड का मतलब है हम एक तरफ ही वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है। डबल का मतलब है हम दोनों तरफ वेल्ड कर रहे हैं, ऊपर भी कर रहे हैं, नीचे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये पार्शियली पेनिट्रेशन बट वेल्ड है, ये इस तरह से, और ये फुल्ली पेनिट्रेट बट वेल्ड है, मतलब कि यहाँ पे नीचे भी कर रखा है, ठीक है। इसमें समझ में आ गया। अब देख लो थ्रोट थिकनेस क्या होती है, ठीक है, ये दिखाता हूं मैं। ये जो ये देखो, ये इसमें बता रखा है, ये एक्चुअल थ्रोट थिकनेस है, ये इस तरह से, जो ये साइज ऑफ वेल्ड है, साइज ऑफ बट वेल्ड है, वही हमारी यहाँ पे एक्चुअल थ्रोट थिकनेस है, ठीक है। अब देखो साइज ऑफ बट वेल्ड क्या होती है। साइज ऑफ बट वेल्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से, ठीक है। द साइज ऑफ बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय थ्रोट डायमेंशन एंड आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ठीक है। देखो बट वेल्ड के केस में क्या होता है, जो हमारी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती है ना, वो हमारी साइज ऑफ बट वेल्ड होती है। लेकिन फिलेट वेल्ड के केस में थोड़ा अलग होता है, जो वो जब हम फिलेट वेल्ड पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। तो पहले देख लो साइज ऑफ बट वेल्ड, यहाँ पे टी जो साइज ऑफ बट वेल्ड है उसी को हम बोलेंगे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ठीक है।
बट वेल्ड के केस में जो साइज जो बट वेल्ड होती है उसी को हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस बोलते हैं और इसको टी से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय थ्रोट डायमेंशन एंड आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस टी, ठीक है। तो अब अलग अलग टाइप्स की मैंने बताए थे जॉइंट्स, सिंगल वी, सिंगल यू, सिंगल बेवल बट जॉइंट्स, ठीक है। यानी कि जो पार्शियली पेनिट्रेटेड बट वेल्ड है उनके केस में हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या लेते हैं, तो उसके केस में हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस लेते हैं टी इज इक्वल टू 5/8 थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। थिनर मेंबर मतलब कि हमारे पास दो प्लेटें हैं, ठीक है, एक थोड़ी मोटी होगी एक पतली होगी, ठीक है। जो जो छोटी वाली मतलब पतली वाली पतली थिकनेस वाली मेंबर हो प्लेट होगी ना उसकी थिकनेस हमें लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या हो जाएगी, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हो जाएगी 5/8 थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, किस केस में, पार्शियली पेनिट्रेटेड बट वेल्ड के केस में, ठीक है, यानी सिंगल वी, सिंगल यू, सिंगल बेवल बट जॉइंट के केस में, ठीक है। और टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर यानी कि टी इज इक्वल टू टी, ठीक है, ये किस केस में होगा, ये होगा हमारे पास फुल्ली पेनिट्रेट बट जॉइंट के केस में, यानी फिर हम बोल सकते हैं कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बट जॉइंट के केस में, यानी कि डबल वी, डबल यू, डबल बेवल जॉइंट्स इनके केस में, ठीक है। तो दी दो जॉइंट्स कॉल्ड फुल्ली पेनिट्रेटेड जॉइंट, मैंने बताया था, ठीक है। इन शॉर्ट देख लो, ये हमारे पास दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये T1 है, ये T2 है, ये जो पतली कम थिकनेस वाली है इसको हम बोलेंगे थिनर मेंबर, ठीक है। तो ये जो बेल्ड वेल्ड है, ठीक है, ये साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ हमारी बट वेल्ड क्या होगी जहाँ पे हमने वेल्डिंग की हुई है, ठीक है। तो ये क्या होगी, टी इज इक्वल टू 5/8 T1 यानी कि ये थिनर मेंबर की थिकनेस है, ठीक है, 5/8 T1 कौन से केस में, इन केस ऑफ पार्शियली पेनिट्रेट जॉइंट, और टी इज इक्वल टू T1 इन केस ऑफ फुल्ली पेनिट्रेट जॉइंट, ठीक है। फुली पेनिट्रेट जॉइंट कौन कौन से होते हैं और पार्शियली पेनिट्रेट जॉइंट कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था सिंगल वी, सिंगल यू, ये सब आएंगे हमारे पास पार्शियली पेनिट्रेट जॉइंट में, और डबल वी, डबल यू, ये सब डबल डबल आएंगे हमारे पास फुली पेनिट्रेट जॉइंट में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इफेक्टिव एरिया ऑफ बट वेल्ड क्या होता है। द इफेक्टिव एरिया ऑफ बट वेल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट वेल्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एरिया क्या बोल रहे हैं हमको, प्रोडक्ट ऑफ द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट वेल्ड, मतलब कि बट वेल्ड की जो लेंथ है, लेंथ को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करो तो हमें हमारे पास एरिया मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव एरिया ऑफ बट वेल्ड क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट वेल्ड इंटू इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ठीक है, इफेक्टिव एरिया आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड क्या होती है, ठीक है। दो टाइप्स की डिजाइन स्ट्रेंथ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट है डिजाइन एक्सियल स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड, सेकंड है हमारे पास डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड, ठीक है। डिजाइन एक्सियल स्ट्रेंथ क्या होगी हमारे पास, टी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ आई डॉट एल डब्ल्यू डॉट टी अपॉन गामा एम डब्ल्यू, ठीक है। और डिजाइन शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ आई डब्ल्यू वन डॉट एल डब्ल्यू डॉट डॉट टी अपॉन गामा एम डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लो एल डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड है, किसमें, एमएम में। टी यहाँ पे क्या है, अभी मैंने बताया था टी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है इन एमएम में, ठीक है। और गामा एम डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। देखो अगर सॉफ्ट वेल्ड है उसके लिए हम गामा एम डब्ल्यू 1.25 लेते हैं, और साइट वेल्ड है उसके लिए हम गामा एम डब्ल्यू 1.50 लेते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एफ क्या है, देखो यहाँ पे मैंने एफ आई लिखा है, ये यहाँ पे मैंने एफ वाई लिखा हुआ है, वाई कट गया, ये एफ आई है, ये एफ आई क्या है, यहाँ पे स्मॉलर ऑफ एफ आई डब्ल्यू एंड वाई, ठीक है, स्मॉलर ऑफ एफ आई डब्ल्यू एंड वाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। एफ आई डब्ल्यू और एफ में से जो कम होगा उसी को हम लेंगे, यहाँ पे एफ आई लेंगे, ठीक है। और एफ आई डब्ल्यू क्या, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड है, ज्यादातर केसों में एफ आई और एफ आई डब्ल्यू सेम ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें डिजाइन शियर स्ट्रेंथ क्या है, वी डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ आई डब्ल्यू वन डॉट एल डब्ल्यू डॉट टी अपॉन गामा एम डब्ल्यू, ठीक है। बाकी सब तो ये तो हमें पता है, एल डब्ल्यू क्या है, लेंथ ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड है, टी यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है, ठीक है, गामा एम डब्ल्यू यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। एफ आई डब्ल्यू वन क्या है, देखो एफ आई डब्ल्यू वन यहाँ पे स्मॉलर ऑफ एफ आई डब्ल्यू अपॉन रूट थ्री एंड एफ आई अपॉन रूट थ्री, ठीक है। इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो हम लेंगे एफ आई डब्ल्यू वन के रूप में, ठीक है। और एफ आई डब्ल्यू क्या है, हमें पता ही है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड है, ठीक है। एफ आई भी हमें पता है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील है, ठीक है, यानी कि उस प्लेट की जिसको हम वेल्ड करें ना उसकी यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है। अधिकतर केसों में एफ आई इज इक्वल टू एफ आई डब्ल्यू होता है, यानी कि हम जिस मटेरियल से वेल्ड कर रहे हैं और जिसको वेल्ड कर रहे हैं वो सेम ही होते, स्टील को ही वेल्ड करते हैं ना।
अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, 260 mm थिक प्लेट्स आर जॉइंट इन द वर्कशॉप बाई फर्स्ट सिंगल यू बट वेल्ड एंड सेकंड ए डबल यू बट वेल्ड। ठीक है, यहाँ पे दो प्लेटें हैं, ध्यान रखना दोनों की थिकनेस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा थिनर मेंबर है कौन सा थिकर मेंबर है। ठीक है, थिनर मेंबर की थिकनेस लेंगे तो वो 60 mm ही आएगी। ठीक है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज 300 mm, हमको एल डब्ल्यू की वैल्यू 300 mm दे दी। डिटरमाइन द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड जॉइंट, हमें क्या डिटरमाइन करना है, वेल्डेड जॉइंट की डिजाइन स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमें शियर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है या कौन सी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है कौन सी। देखो, जब भी अगर नॉर्मली पूछे कुछ स्पेशल दिया नहीं हो कि डिजाइन शियर स्ट्रेंथ निकालो, तब हमें डिजाइन स्ट्रेंथ का मतलब डिजाइन एक्सियल स्ट्रेंथ ही समझना है। ठीक है, यानी कि हमें TW निकालना है, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि डिजाइन शियर स्ट्रेंथ निकालो, इतना बोला है कि डिजाइन स्ट्रेंथ निकालो, तो हमें यह समझना है कि हमें डिजाइन एक्सियल स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिजाइन एक्सियल स्ट्रेंथ निकालनी है और वेल्डेड जॉइंट की। The yield and ultimate tensile strength of the weld and steel are 250 MPa and 410 MPa respectively. हमें yield stress दे रहा है 250 MPa और ultimate tensile strength भी दे रखी है 410 MPa. ठीक है, चलो solve करते हैं। यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है कि workshop, मतलब कि ये shop, shop में काम हो रहा है जो भी, तो shop के लिए हम partial factor of safety क्या लेते हैं, 1.25 लेते हैं। ठीक है, और हमें दी हुई है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ Fu is equal to 410 Nm/mm². ठीक है, और सो एफ यू इजल टू एफ डब्ल्यू लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और एफ आई हमें दिया है 250 Nm/mm². ठीक है, और कुछ स्पेशल अलग से वैल्यू देने रखी, तो एफ आई इजल टू एफ आई डब्ल्यू लेना है। ठीक है, यानी ये भी 250 Nm/mm² होगा। तो एंड वी नो दैट सिंगल यू बट जॉइंट और फॉर पार्शियली पेनिट्रेटेड बट जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट हम सोल्व करें। देखो, दो केस में हमें डिटरमाइन करनी है स्ट्रेंथ, एक तो फर्स्ट जब सिंगल बट वेल्ड हो, सेकंड हमें देखो एक डबल यू बट वेल्ड हो, तो पहले हम सिंगल की निकालते हैं। ठीक है, तो सिंगल के लिए जो हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या लेते हैं, सिंगल के लिए हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस लेते हैं T = 5/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। यहाँ पे दोनों प्लेटों की जो डायमेंशन दे रखी है, थिकनेस दे रखी है वो 16 mm दे रखी है, तो थिकर हमारे पास थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर क्या होगी, 16 mm हो जाएगी। और ठीक है, और हम सिंगल यू के निकालने के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि पार्शियली पेनिट्रेटेड मेंबर्स के लिए निकाल रहे हैं, तो T = 5/8 हो जाएगा। 5/8 × 16 करो 10 mm, ये हमारे पास इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस आ गई। अब हमें इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड हमें दे रही है 300 mm। ठीक है, अब स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड निकालनी है, हमारे पास फॉर्मूला है TDW = Fi.Lw.T/γW। फॉर्मूले में वैल्यू रखो एफ आई की, यहाँ पे 250 × 300 × 10/1.25 करो, या पर 600 × 10³³ आ जाएंगे, या फिर 600 kN। ठीक है, यहाँ पे एफ आई है जो स्माइलर ऑफ एफ आई अपॉन एफ आई डब्ल्यू है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है एफ आई इजिकल टू एफ आई डब्ल्यू है, तो हमारे पास एफ आई की वैल्यू 250 Nm² ही आएगी। ठीक है, अब डबल यू बट वेल्ड के लिए देखो, फॉर डबल यू बट वेल्ड T = T। ठीक है, डबल यानी कि फुल्ली पेनिट्रेट वेल्ड के लिए, ठीक है, फुल्ली पेनिट्रेट वेल्ड के लिए हमें पता है T = T होता है, यानी कि T = हमारे पास 16 mm आ जाएगा। फिर वही वो का वही फॉर्मूला लगाना है, एफ आई की वैल्यू रखो 250, एल डब्ल्यू की वैल्यू रखो 300, टी की 16 अपॉन 1.25 करो, TW हमारे पास आ जाएगा 960 × 10⁻¹⁹ N/960 kN। ठीक है, ये हमारा बट वेल्ड पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक है, डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होती है। ठीक है, देखो पिछले वाले केस में जो साइज ऑफ बट वेल्ड थी वही हमारे वही इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस थी, इस केस में अलग अलग होगा। देखो इस केस में क्या होगा, ये जैसे हमारे पास एक ये है फिलेट कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें साइज ऑफ वेल्ड क्या होगी, ये यहाँ तक ये एस जो दे रखी है ये साइज ऑफ वेल्ड है, और इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होगी, ये जो ये जॉइंट है ना, यहाँ से लेकर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारे पास हो जाएगी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ठीक है, तो देखो इट इज द मिनिमम लेग लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक है, क्या है, मिनिमम लेग लेंथ है ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू द टॉय ऑफ द फिलेट वेल्ड। ठीक है, रूट मतलब ये रहा रूट और इससे टॉय ऑफ द फिलेट वेल्ड, टॉय ऑफ द फिलेट वेल्ड, ये रही अपनी फिलेट वेल्ड, ये इसका रहा टॉय, ये जो एस है ये हमारी साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, यानी कि एस मिनिमम क्या होता है। द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 3 mm ओवर मोर देन द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होती है, देखो मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड होती है 3 mm, या फिर हम बोल सकते हैं कि मोर देन द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट जॉइंट, जो उसका थिनर पार्ट है, जैसे कि ये एक प्लेट है ये दूसरी प्लेट है, इन दोनों में से ये नीचे वाली प्लेट पतली है,
तो इसकी जितनी साइज है उससे तो हमारी वेल्ड की साइज ज्यादा होनी ही चाहिए, ठीक है, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसके बराबर होनी चाहिए या ज्यादा कर लो, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 3 mm और मोर देन द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट ऑफ जॉइंट, ठीक है। अब देखो इस तरफ हमें थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट दे रखी है और यहाँ पे मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड दे रखी है, ठीक है। इस तरफ देखो अगर लेस देन 10 mm हो तो हमारी मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या हो जाएगी, 3 mm हो जाएगी, ठीक है, और अगर 10 से 20 हो तो 5 mm हो जाएगी, और 20 से 32 हो तो 6 mm हो जाएगी, और अगर 32 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 32 है, तो उस केस में हमारे पास मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या हो जाएगी, 10 mm हो जाएगी, लेकिन हम उसको ना 2 रन में प्रोवाइड करेंगे, 2 रन या फिर हम बोल सकते हैं 2 कवर में प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि ये हमारे एक प्लेट ऐसे एक प्लेट ऐसे है, एक बार तो हमने 8 mm की दे दी, हमने 8 mm थिकनेस वाली हमने वेल्ड दे दी, ठीक है, इस तरह से, फिर उसके ऊपर एक और 2 mm का कवर देंगे, ठीक है, इस तरह से ये पूरी टोटल 10 mm की हो जाएगी, ठीक है, मतलब 2 कवर में देनी है हमको 10 mm ये, लेकिन फर्स्ट रन में हमने 8 mm प्रोवाइड की, सेकंड रन में हमने 2 mm प्रोवाइड कर ली, यानी कि 2 स्टेप में हमने ये 10 mm प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल पूरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अगर इसको ऐसे याद रखना, 3 5 6 10, 3 5 6 10, 3 5 6 10, ठीक है, 0 10 से कम के लिए 3, 10 से 20 के लिए 5, 20 से 32 के लिए 6, 32 से ज्यादा के लिए 10, ठीक है। अब बात हम करते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड की, ठीक है, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड होगी, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड की बात करते हैं फॉर स्क्वायर एजेस के लिए, देखते हैं पहले स्क्वायर एजेस का मतलब, देखो ये नीचे वाली प्लेट है, ठीक है, ये भी और इसके ऊपर जो प्लेट है ये स्क्वायर एज की है, ठीक है, इस तरह से ये स्क्वायर एज की है, ठीक है, मतलब इसका किनारा स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर एज के लिए हमारे पास मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या हो जाएगी, देखो मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड ये हो जाएगी स्क्वायर एज के केस में, जो ऊपर मतलब कि ये जो वेल्ड होनी चाहिए ना ये कितनी भी हो लेकिन ऊपर यहाँ पे 1.5 mm की डिस्टेंस का गैप तो रहना ही चाहिए, मतलब कि वेल्ड हमें यहाँ तक करें लेकिन ऊपर 1.5 mm का गैप रहना ही चाहिए, यानी कि हम बोल सकते हैं फॉर स्क्वायर एजेस मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या हो जाएगी, जैसे ये मान लो एक्स है इस ऊपर वाली की लेंथ एक्स, या फिर टी मान कुछ भी मान लो, तो मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड हो जाएगी हमारे पास x-1.5, या फिर अगर इसको हम टी माने तो t-1.5 हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना ऊपर 1.5 mm का गैप रहना चाहिए, ठीक है। तो फॉर स्क्वायर एजेस वेल्ड साइज शुड बी एटलीस्ट 1.5 mm लेस देन द एज थिकनेस, ठीक है, वेल्ड साइज शुड बी एटलीस्ट 1.5 mm लेस देन द एज थिकनेस, तो बस इतना ध्यान रखना कितनी फोर स्क्वायर एज के केस में कितनी होती है मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, t-1.5, या फिर हम अगर इसकी हम लेंथ अगर हम इसकी थिकनेस एक्स माने तो x-1.5 होगी, ठीक है ना। फॉर राउंडेड टॉय ऑफ ए रोल्ड सेक्शन, ठीक है, ये तो हमारा स्क्वायर एजेस के लिए था, लेकिन अगर हमारे पास एजेस जो राउंडेड हो, ठीक है, यानी फॉर राउंडेड टॉय ऑफ ए रोल्ड सेक्शन, जैसे कि ये हमारी जो प्लेट ये राउंडेड है इस तरह से, वो नीचे वाली प्लेट ऐसी है, तो द वेल्ड साइज शुड नॉट एक्सेस 3/4 थिकनेस ऑफ द सेक्शन एट द टॉय, ठीक है, इस टॉय तक यहाँ से मतलब 3/4 है ना, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, द वेल्ड साइज शुड नॉट एक्सेस 3/4 थिकनेस ऑफ द टॉय, मतलब इसके 3/ यहाँ से लेकिन यहाँ तक 3/4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट समझ में आ गया, स्क्वायर एजेस के केस में x-1.5 और राउंडेड सेक्शन के केस में हमारे पास 3/4 टी, ये इसकी टी इसकी थिकनेस है, ठीक है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होती है, देखो पिछले वाले बट वेल्ड के केस में मैंने बताया था कि जो उसकी मतलब साइज ऑफ वेल्ड और इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एक ही होती है, लेकिन फिलेट वेल्ड के केस में इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस अलग होती है साइज ऑफ फिलेट वेल्ड से, ठीक है। तो इसके केस में इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होगी, मैंने बताया था ये जो ये टॉय है, ठीक है, ये जो रूट है मतलब रूट इसके इससे लेकर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है ना, ये वाली ये है हमारे पास इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, इट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंगल कॉर्नर ऑफ फिलेट वेल्ड, ये राइट एंगल कॉर्नर फ्रॉम फिलेट वेल्ड टू द हाइपोटेंसिस, यानी कर्ण तक, ये जो कर्ण है इसके, ये वाली लेंथ है हमारे पास इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस आ गई। मिनिमम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 3 mm, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 3 mm, 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो उसको हम डिनोट कर रहे थे टी से, इसको हम डिनोट करेंगे टी टी से, ठीक है, तो टी टी इज इक्वल टू के इनटू साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है, थ्रोट थिकनेस का फॉर्मूला क्या है, टी टी इज इक्वल टू के इनटू साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है, या फिर बोलते टी टी इनटू के साइज ऑफ वेल्ड को ऐसे टी टी इज इक्वल टू के एस, ठीक है, वेयर के इज द कांस्टेंट डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, के यहाँ पे कांस्टेंट है और किस पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस पे, ठीक है।
फिलेट वेल्ड आर नॉर्मली यूज फॉर कनेक्टिंग पार्ट व्हिच फ्यूजन फेसेस फ्रॉम एंगल बिटवीन 60 डिग्री एंड 120 डिग्री. फिलेट वेल्ड नॉर्मली वहीं पर यूज होती हैं, ठीक है, उन्हीं पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होती हैं जो जिनका फ्यूजन फेसेस के साथ एंगल 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में हो. ठीक है, ध्यान रखना नॉर्मली वहीं पे यूज होती है जब उनका जो फ्यूजन फेस से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में हो. ठीक है, तो इस तरफ देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट, ये जो कॉन्स्टेंट क्या है इसकी वैल्यू दी हुई है, और इस तरफ है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस के बीच में दिया हुआ है. ठीक है, तो ध्यान रखना. तो कहाँ पे यूज की जाती है फिलेट वेल्ड? फिलेट वेल्ड वहीं पे यूज की जाती है जिनके फ्यूजन फेसेस के बीच का एंगल 60 से 120 डिग्री के बीच में हो, और ये जो के की वैल्यू है कॉन्स्टेंट ये इस फ्यूजन फेसेस के बीच के एंगल पर डिपेंड करती है. ठीक है, देखो पहला हमारे पास अगर 60 से 90 के बीच में एंगल हो तो के की वैल्यू होगी 0.70, 91 से 100 के बीच में हो तो 0.65, वैसे 101 से 106 के बीच में हो तो 0.60, 107 से 113 के बीच में हो तो 0.55, 114 से 120 के बीच में हो तो 0.50. ठीक है, इसमें 5-5 का फर्क आ रहा है, 70, 65, 60, 55, 50, इस तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इस तरफ देख लो पहले 30 का फर्क है, फिर 10 का फर्क है, फिर 6 का फर्क है. ठीक है, फिर इसी तरह से फर्क बढ़ता जा रहा है, फिर 6 का फर्क है, फिर ये तो ऐसे याद हो जाएगा. ठीक है, बस ये ध्यान रखना 60 इस तरह से याद रखना, 60, 90, 91, 100 किसी भी तरह से याद रख लो अपने हिसाब से, बस ये वैल्यू याद होनी चाहिए, वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होगी? ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड LW वो क्या होगी? देखो LW इज इक्वल टू ओवरऑल लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस 2 इनटू साइज ऑफ फिलेट वेल्ड. ठीक है, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना. इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड का फॉर्मूला है LW इज इक्वल टू ओवरऑल लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस 2 इनटू साइज ऑफ फिलेट वेल्ड. ठीक है, LW इज इक्वल टू L माइनस 2S. यहां पे एक नोट देख लो, मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट लेस देन 4 टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड ओवर 40 mm. इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड ओवर 40 mm, या फिर हम कह सकते हैं LW शुड नॉट बी लेस देन 4S ओवर 40 mm. ठीक है, 4S और 40 mm से इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड कम नहीं होनी चाहिए, ये मिनिमम लेंथ पूछ सकते हैं. ठीक है, ध्यान रखना, रट लेना इस चीज को, मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होती है, मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होती है, 4S या फिर 40 mm से कम ही होनी चाहिए. एंड रिटर्न क्या होता है? देखो एंड रिटर्न की वैल्यू होती है 2S के बराबर. ठीक है, 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड. ये देखो एंड रिटर्न मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर वेल्डेड जॉइंट. किसके लिए एंड रिटर्न किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर वेल्डेड जॉइंट विच आर सब्जेक्टेड टू असेंट्रिसिटी, स्ट्रेस रिवर्सल और इंपैक्ट लोड. ध्यान रखना एंड रिटर्न किन के लिए प्रोवाइड किया जाता है? एंड रिटर्न उनके लिए, उस वेल्ड के लिए प्रोवाइड किया जाता है जो असेंट्रिसिटी से सब्जेक्ट हो, या फिर स्ट्रेस रिवर्सल से सब्जेक्ट हो, या फिर इंपैक्ट लोड से सब्जेक्टेड हो. ठीक है, दिस पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ऑन टेंशन एंड ऑफ पार्ट्स कैरिंग बेंडिंग लोड्स. ठीक है, ये पर्टिकुलरली किसके लिए इंपॉर्टेंट है? टेंशन एंड के लिए इंपॉर्टेंट है जो क्या कैरिंग करता है, जो बेंडिंग लोड्स कैरी करता है. ठीक है ना, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे. टू प्लेट्स ऑफ 8 mm एंड 12 mm थिकनेस आर टू बी जॉइंट यूजिंग फिलेट वेल्ड्स, सजेस्ट सुटेबल साइज ऑफ फिलेट वेल्ड एंड लेंथ ऑफ एंड रिटर्न. ठीक है, इसने हमें कहा कि दो प्लेट्स हैं, एक 8 mm की, एक 12 mm की थिकनेस की है, उनको फिलेट वेल्ड के जरिए जोड़ना है. ये पूछा कि हमें कुछ एक सुटेबल साइज बताओ फिलेट वेल्ड के लिए, ठीक है, और एंड रिटर्न के लिए भी बताओ. तो देखो यहाँ पे स्क्वायर एज के केस, यहाँ पे देखो टू प्लेट्स लिखा हुआ है, हमें दिया नहीं हुआ है कि राउंड एंगल है क्या कुछ और है, तो मतलब कि हमें स्क्वायर एजेस ही मान के चल रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट प्लेट ये देखो 8 mm की है, 12 mm की है, और हम जानते हैं मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर स्क्वायर एजेस क्या होगी हमारे पास, P-1.5, तो 8-1.5 6.5 mm होगी मैक्सिमम फिलेट वेल्ड, मतलब कि इससे ज्यादा हम फिलेट वेल्ड तो दे नहीं सकते. ठीक है, और मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कितनी होती है, 3 mm, ये हमें पता है, मतलब हमें 3 mm और 6.5 mm के बीच की कोई इसको एक लेंथ सजेस्ट कर देनी है फिलेट वेल्ड की, तो हम सजेस्ट कर देते हैं 6 mm, भाई तू 6 mm रख ले फिलेट वेल्ड. ठीक है, और ये हमारे एक हमने एक एक सवाल का जवाब तो मिल गया, इसने हमसे क्या मांगा था कि बताओ कोई सुटेबल साइज बताओ फिलेट वेल्ड के लिए, तो हमने बता दी 6 mm रख लो. अब एक और पूछ रहा है कि एंड रिटर्न क्या रखें, तो एंड रिटर्न जनरली मैंने बताया था कि 2S होता है. ठीक है, एंड रिटर्न शुड नॉट बी लेस देन 2S, तो एंड रिटर्न इज इक्वल टू 2S रख लो. 2S यानी कि S हमारे पास 6 mm रख रहे हैं, तो हमारे पास एंड रिटर्न की वैल्यू 2 इंटू 6 यानी कि 12 mm आ जाएगी. ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं कि ओवरलेप क्या होता है। अब नाम से स्पष्ट है, एक को दूसरे के ऊपर ओवरलेप कर रहे हैं, यानी कि ओवरलेप लेंथ क्या होगी। जैसे कि ये एक हमारे पास प्लेट फर्स्ट है, एक ये प्लेट सेकंड है, इसको इसके ऊपर ओवरलेप किया, ये जो ओवरलेप लेंथ है यही ओवरलेप लेंथ है और क्या। द ओवरलेप ऑफ प्लेट्स टू बी वेल्डेड इन लेप जॉइंट शुड नॉट लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर और 14 mm व्हिच एवर इज मोर। ठीक है, ओवरलेप तो हमें जनरली पता है ओवरलेप लेंथ क्या होती है, लेकिन ये हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम ओवरलेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम ओवरलेंथ जो होती है वो होती है मैक्सिमम ऑफ 41, या फिर हम बोल सकते हैं 40 mm या फिर 41 में से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारी मिनिमम ओवरलेप लेंथ होगी, मतलब इतनी तो हमें ओवरलेप लेंथ रखनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे T1 देखो क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है। ठीक है, T1 यहाँ पे थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, द ओवरलेप ऑफ प्लेट्स टू बी वेल्डेड इन लेप जॉइंट शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर और 40 mm व्हिचएवर लेस। ये भी यहाँ पे बताया है, लेट T1 लेस देन T2, मतलब कि T1 को यहाँ पे हमने माना है थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना जो मिनिमम ओवरलेप लेंथ होती है वो होती है हमारे पास मैक्सिमम ऑफ 41 या फिर 40 mm। ठीक है, ये याद करने में इजी रहेगा, देखो 41 40 mm 41 40 mm। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड क्या होता है। देखो इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड का मतलब होता है कि ये हमारी एक प्लेट है, ये हमारी एक प्लेट है, हम इसको पूरी को वेल्ड नहीं कर रहे, यहाँ से बीच बीच में वेल्ड कर ली हमने। ठीक है, पूरी को क्यों वेल्ड करें भाई। ठीक है, तो बीच बीच में वेल्ड कर ली इसको, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड। ठीक है, व्हेन लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड रिक्वायर्ड ट्रांसमिटिंग ए फोर्स लेस देन द कंटिन्यूस फिलेट वेल्ड। अगर देखो फोर्स कम लगना है, फोर्स कम लगा लग रहा है दोनों तरफ। ठीक है, मतलब कि हमारा इतने से ही काम चल रहा है तो हम फालतू में पूरी को क्यों वेल्ड करें, क्यों कंटिन्यूस वेल्ड दें, इसलिए इसको इंटरमीडिएट वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड रिक्वायरिंग ट्रांसमिटिंग ए फोर्स लेस देन द कंटिन्यूस फिलेट वेल्ड। ठीक है, तो हम ये प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्लियर इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी मोर देन मैक्सिमम क्लियर स्पेसिंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये हमसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम क्लियर स्पेसिंग कितने रखें। तो ध्यान रखना मैक्सिमम क्लियर स्पेसिंग कितने रखेंगे, या तो 20 रखेंगे या फिर 200 mm रखेंगे, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारे पास मैक्सिमम क्लियर स्पेसिंग हो जाएगी। किसके लिए, फॉर कंप्रेशन मेंबर के लिए, और 16T और 200 mm विच एवर इज लेस किसके लिए, फॉर टेंशन मेंबर के लिए। तो ध्यान रखना क्लियर स्पेसिंग बिटवीन इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड should not be more than 12T over 200 mm whichever is less for compression member and 16T over 200 mm whichever is less for tension member। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि मैक्सिमम इस तरह से भी पूछ सकते हैं पूरी लाइन देकर कि क्लियर स्पेसिंग बिटवीन इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी मोर देन, फिर ऑप्शन दे देगा, या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है कि मैक्सिमम इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड के केस में मैक्सिमम क्लियर स्पेसिंग कितनी रखेंगे। तो ध्यान रखना कितने रखेंगे, 12T और 200 mm whichever is less in case of compression member, 16T और 200 mm whichever is less in case of tension member। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। पहले हमने डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ किसकी देखी थी, बट वेल्ड की देखी थी, अब हम देखते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होती है। देखो इस तरफ है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड है, और इस तरफ हमारे पास डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड बेस्ड ऑन थ्रोट एरिया। थ्रोट एरिया पे बेस्ड डिजाइन स्ट्रेंथ इस तरफ लिख रहा हूँ, और डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इस तरफ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, FWD इक्वल टू FWN अपॉन गामा MW। ठीक है, FWN यहाँ पे क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड है, और FWN की वैल्यू होती है FU अपॉन √3। FU यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस है। ठीक है, अब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए फिलेट वेल्ड बेस्ड ऑन थ्रोट एरिया क्या होगी, PDW is equal to LW.TT.FU upon √3 gamma MW। ठीक है, यहाँ पे देखो TT क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था TT is equal to KS effective throat thickness in mm है, S यहाँ पे size of weld in mm है। ठीक है, FU यहाँ पे smaller of ultimate strength of weld and parent metal in megapascal। ठीक है, smaller of ultimate strength of weld and parent metal in megapascal। ठीक है, गामा एमडब्ल्यू मैंने बताया था पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। ठीक है, जो सॉफ्ट वर्क के लिए, सॉफ्ट वेल्ड के लिए 1.25 होता है, और साइड वेल्ड के लिए 1.50 होता है। ठीक है, सॉफ्ट वेल्ड के लिए कम क्यों होता है, क्योंकि वहां पे हम सॉफ्ट पे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, एक्यूरेसी ज्यादा रखते हैं, साइड पे तो फिर ऐसे काम चलता है, वही हमारे स्टील और कॉन्क्रीट वाला केस है कि उसके लिए ज्यादा रखते हैं, इसके लिए कम रखते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, सॉफ्ट के लिए 1.25, साइड वेल्ड के लिए 1.50।
अब मैं बात करता हूँ रिडक्शन फैक्टर फॉर लॉन्ग जॉइंट। ये वैसे एई एसएससी जेई के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, गेट के लिए इंपोर्टेंट है, फिर भी अब आ गया तो देख लेते हैं। रिडक्शन फैक्टर फॉर लॉन्ग जॉइंट क्या होता है? इफ द मैक्सिमम लेंथ एल जे ऑफ द साइड वेल्ड्स ट्रांसफरिंग शियर अलोंग इट्स लेंथ एक्सिस्ट 150 टाइम्स द थ्रोट साइज ऑफ द वेल्ड टीटी द रिडक्शन इन वेल्ड स्ट्रेंथ एज पर द लॉन्ग जॉइंट। क्या बोल रहा है? इफ द मैक्सिमम लेंथ एल जे ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड, इफ द मैक्सिमम लेंथ एल जे ऑफ द साइज साइड साइड वेल्ड्स ट्रांसफरिंग शियर अलोंग इट्स लेंथ 150 टाइम्स द थ्रोट साइज ऑफ द वेल्ड टीटी द रिडक्शन फैक्टर इन वेल्ड स्ट्रेंथ एज पर द लॉन्ग जॉइंट। क्या होगा हमारे पास? ये ऊपर की रामायण याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो। द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ वेल्ड FWD रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर, जो हमारी डिजाइन कैपेसिटी है, ठीक है, अभी जो हमने FWD की वैल्यू निकाली थी, डिजाइन कैपेसिटी ऑफ वेल्ड FWD, वो जो रिड्यूस हो जाएगी, इस फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी, वो होगी मेरे पास बीटा इज इक्वल टू 1.2 माइनस 0.2 एल जे अपॉन 150 डॉट टी जे शुड बी लेस देन 1.0। ध्यान रखना ये जो रिडक्शन फैक्टर है इसकी वैल्यू हमेशा एक से कम होगी, ये भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखो एल जे क्या है, एल जे यहाँ पे लेंथ ऑफ जॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ट्रांसफर, जिस डायरेक्शन में फोर्स ट्रांसफर हो रहा है उस डायरेक्शन में ये हमारे पास किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ जॉइंट है, ठीक है। और टी जे यहाँ पे क्या है, थ्रोट साइज ऑफ वेल्ड है, ठीक है, थ्रोट साइज ऑफ वेल्ड है। अब हम पढ़ते हैं डिजाइन ऑफ स्लॉट वेल्ड या फिर हम बोल सकते हैं प्लग वेल्ड, ठीक है। इसके मैंने आपको पिक्चर बताई थी कि स्लॉट वेल्ड में क्या होता है कि हम स्लॉट बनाते हैं यानी कि छेद करते हैं, ठीक है, और प्लग वेल्ड में क्या करते हैं, उन छेद को भी उस वेल्डिंग मटेरियल से भर देते हैं, ठीक है। तो प्लग एंड स्लॉट वेल्ड आर यूज्ड मोस्ट ऑफन टू द टू पार्ट्स टुगेदर एंड इन पर्टिकुलर टू रिड्यूस द अनसपोर्टेड डायमेंशन ऑफ कवर प्लेट्स इन कंप्रेशन, देयर मे आल्सो बी यूज्ड फॉर शियर ट्रांसमिशन, ठीक है। ये वो बात बोल रहा है कि जब हमें देखो वेल्डिंग लेंथ ज्यादा देनी पड़ती है, मान लो कि हमारे पास दो प्लेट है, ठीक है, और मतलब कि उसको हमें उनका जो फोर्स, उन पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स जो है जितनी हम वेल्डिंग लेंथ दे रहे हैं ना उससे रुक नहीं रहा है, ठीक है, मतलब कि वो टूट जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा वेल्डिंग लेंथ देनी पड़ेगी। तो वेल्डिंग लेंथ मतलब कि अच्छी तरह से ज्यादा वेल्ड करना पड़ेगा ना उसको, तो हम ज्यादा वेल्ड कैसे करेंगे अगर हमारे पास उतनी डायमेंशन ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उस प्लेट्स के यहाँ पे ना कुछ ऐसे छेद कर देंगे और उस छेद में वेल्डिंग कर देंगे, तो हमने ज्यादा वेल्डिंग कर दी, तो ये वही चीज बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, प्लग एंड स्लॉट वेल्ड्स आर यूज्ड अलोंग विद फिलेट वेल्ड व्हेन सफिशिएंट वेल्डिंग लेंथ इज नॉट अवेलेबल अलोंग द एजेस ऑफ द मेंबर, ठीक है, अभी मैंने यही लाइन बोली है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ए स्लॉट इज कट इन वन ऑफ ओवरलैपिंग मेंबर एंड हैविंग वेल्डिंग मेटल इज फिल्ड विद द वेल्ड मेटल इट इज नोन एज प्लज वेल्ड, ठीक है। मैंने बता दिया था कि छेद करते हैं, अगर छेद को वेल्डिंग मटेरियल से भर देंगे तो वो हमारे पास प्लज वेल्ड हो जाएगी, ठीक है, प्लग वेल्ड हो जाएगी। द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन आर डिजाइन ऑफ प्लग ऑन स्लॉट वेल्ड एज पर IS 816/1969। अब स्लॉट वेल्ड या प्लग वेल्ड के ऊपर हम कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं IS 816 ने, तो वो देख लो क्या दिए हैं। पहला रिकमेंडेशन दिया है द विथ एंड डायमीटर ऑफ स्लॉट शुड नॉट बी लेस देन 3 times द थिकनेस ऑफ द पार्ट विच स्लॉट इज फॉर्म्ड ओवर 25 mm विच एवर इज ग्रेटर। क्या बोल रहा है, द विथ एंड डायमेंशन ऑफ स्लॉट जो हमने उसमें छेद किया है शुड नॉट बी लेस देन 3 times द थिकनेस ऑफ द पार्ट विच स्लॉट इज फॉर्म्ड, और जिस मेंबर से हमने जो निकाला है मतलब उस जिस प्लेट से हमें निकाला है, ठीक है, उसके उसके 3 times ऑफ थिकनेस ऑफ पार्ट उसके 3T से या फिर 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3T या 25 mm से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, हम फिर बोल सकते हैं विच एवर इज ग्रेटर। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि मिनिमम डायमीटर पूछ रहा है, यूं समझ लो उसका, तो मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, मिनिमम डायमीटर होना चाहिए 3T या 25 mm, दोनों में से जो भी ज्यादा हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, कॉर्नर एट इनक्लोज्ड एंड शुड बी राउंडेड विद ए रेडियस नॉट लेस देन 1.5 times द थिकनेस ऑफ अपर प्लेट ओवर 12 mm विच एवर इज ग्रेट। देखो हमने छेद कर रहे हैं तो वो तो सर्कुलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा ट्रेंगल रेक्टेंगुलर बन जाए, तो ये बोल रहा है कि जो उसकी जो रेडियस होनी चाहिए वो रेडियस 1.5 times थिकनेस ऑफ अपर प्लेट ओवर 12 mm विच एवर इज ग्रेट, वो जो रेडियस होगी वो 1.5 यानी कि थिकनेस ऑफ अपर प्लेट से 1.5 ऑफ थिकनेस ऑफ अपर प्लेट
और 12 mm से, दोनों में से जो भी ज्यादा है उससे कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमें मिनिमम रेडियस पूछ रहा है, तो मिनिमम रेडियस कितना होनी चाहिए, 1.5 t और 12 mm, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। ऊपर हमसे क्या पूछ रहा था, ऊपर हमसे डायमीटर पूछ रहा था, ठीक है, मिनिमम डायमीटर पूछ रहा था, यहाँ पे मिनिमम रेडियस पूछ दी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द प्लेट्स एंड स्लॉट बिटवीन एजेस ऑफ एडजेसेंट स्लॉट शुड नॉट बी लेस देन ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द अपर प्लेट। क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द प्लेट्स एंड स्लॉट। हाँ, अब ये बोल रहा है कि प्लेट और स्लॉट के बीच में, जैसे कि ये देखो ये स्लॉट है, ठीक है, ये स्लॉट है और ये प्लेट है। अब ये प्लेट का जो किनारा है और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इसकी बात कर रहा है कि वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो उसने बता दिया कि ये स्लॉट है, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए। अब वो बोल रहा है कि ये जो स्लॉट है ना, इसकी इस प्लेट के किनारे से डिस्टेंस मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द प्लेट एंड स्लॉट बिटवीन एजेस ऑफ एडजेसेंट स्लॉट शुड नॉट बी लेस देन ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द अपर प्लेट, यानी कि 2 t से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 2 t से कम नहीं होनी चाहिए। देखो इन शॉर्ट इनको देख लो कि जो हमारा जो डायमीटर है, ठीक है, मिनिमम डायमीटर है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 3 t और 25 mm, दोनों में से जो भी ज्यादा हो उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो रेडियस है वो 1.5 t या फिर 12 mm, दोनों में से ज्यादा हो उससे कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो एजेस से डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, वो हमारी या तो 2 t, ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन द 2 t ऑफ द अपर प्लेट, ठीक है, यहाँ पे 2 t से कम नहीं होना चाहिए। बस ये कुछ पिक्चर देख लो, देखना हो तो टाइप वेल्ड टाइप वो मैंने बताई दिया, ऐसी होती है, ठीक है, बट जॉइंट ऐसा होता है, कॉर्नर जॉइंट इस टाइप से होता है, और ये प्लग और स्लॉट वेल्ड के ही पिक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा वेल्डेड कनेक्शन खत्म होता है, अब इसके MCQ कर लेंगे, ठीक है।